मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सत्ता से विदाई के बाद भी सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। कभी कांग्रेस मौजूदा हालात को लेकर सूबे की शिवराज सरकार को घेरती है तो कभी सिंधिया के पाला बदलने को लेकर खरी खोटी सुनाती है। लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी के अंदर मची कलह जग जाहिर हो रही है। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया तो कमलनाथ सरकार पर काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि सिंधिया के 20 से ज्यादा समर्थक कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार हो गए। काफी वक्त तक कमलनाथ संख्या बल होने का दावा करते रहे, मगर जब बहुमत परीक्षण का वक्त आया तो उन्होंने त्याग पत्र थमा दिया। लेकिन अब कमलनाथ ने सरकार गिरने के 41 दिन बाद बयान देकर राजनीतिक गलियारे में फिर से हलचल मचा दी है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत में कमलनाथ ने साफ तौर पर सरकार गिरने के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। कमलनाथ ने कहा, मैं राज्य में अपनी सरकार इसीलिए नहीं बचा सका क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मुझ में झूठा विश्वास भर दिया था कि पार्टी के कुछ विधायक साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन स्थिति को ठीक से न समझ पाने की वजह से ऐसा हुआ। दिग्विजय ने महसूस किया कि कुछ विधायक जो दिन में 3 बार उनसे बात कर रहे थे वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साथ छोड़ दिया। कमलनाथ के शब्द बयां कर रहे हैं कि दिग्विजय की लापरवाही की वजह से कमलनाथ को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि जब कमलनाथ का बयान सियासी गलियारों में वायरल हुआ तो कमलनाथ ने खुद की बात का ही खंडन करते हुए कहा कि मेरी सरकार गिरने के मुद्दे पर बातचीत में मैंने चैनल से कहा, स्वयं मुझको और दिग्विजय सिंह को कुछ विधायकों ने झूठा विश्वास दिलाया था कि वो वापस लौट आएंगे। उनके झूठे विश्वास पर हम दोनों ने भरोसा किया और हम अपनी सरकार नहीं बचा पाए। अब भले ही कमलनाथ ने अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनके इस बयान पर विरोधियों का चुटकी लेना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।